दोस्तों, पितृ पक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में दो भाई थे, जोगे और भोगे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था और भोगे की पत्नी सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितृपक्ष का श्राद्ध करने को कहा तो जोगे इसे व्यर्थ समझकर टालना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने का और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर समझा और बोली, आप शायद मुझे परेशानी से बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन उसने भोगे की पत्नी को बुलाया, जो सुबह सवेरे आकर सारा काम करने लगी। उसने सारी रसोई तैयार करी और काम निपटाकर अपने घर चली गई। उसे भी अपने पितरों का श्राद्ध करना था। ऐसे में उसे ना तो जोगे ने रोका, ना ही जोगे की पत्नी ने। दोपहर हो गई और पितर धरती पर उतरे। जब पितर पहले जोगे के घर पहुंचे तो देखते हैं कि जोगे के ससुराल वाले भोजन शुरू कर चुके हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में वहाँ सभी पितर इकट्ठे हुए और सब अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने तब अपनी आप बीती सबको सुनाई और सोचने लगे कि अगर भोगे सामर्थ्यवान होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं लौटना पड़ता, मगर भोगे के पास दो वक्त की रोटी भी नहीं है। यह सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वह जोर जोर से गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम के समय भोगे के बच्चे, जिन्हें सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला था, माँ से बोले, माँ भूख लगी है। उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने बोला, जाओ आंगन में हांडी उल्टी रखी है, उसमें देखो जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचकर देखते हैं कि हांडी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और माँ को सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने मोहरें देखी तो वह हैरान रह गई और इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। अगले साल जब पितृ पक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने कई प्रकार के भोजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और अपनी जेठ और जेठानी को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। दोस्तों, जो श्रद्धा पूर्वक किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध का अर्थ है सत्य को धारण करना और जीवन का सबसे बड़ा सत्य है यथा पिंडे तथा ब्रह्माणे, अर्थात मिट्टी से बने शरीर का मृत्यु के उपरांत ब्रह्मांड में विलय हो जाता है।